जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज नवरात्रि की सप्तमी तिथि है। यूं तो आज माँ कालरात्रि की पूजा होती है, लेकिन हम लोग जो ये सीरीज चला रहे हैं इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार आप अपनी राशि अनुसार नवरात्रि के अलग अलग दिन माता भगवती के विशेष स्वरूप की पूजा आराधना करें। विभिन्न मंत्रों से कुछ पूजा की पद्धतियाँ आपको बहुत सरल संक्षिप्त बता रहा हूँ, कुछ भोग आरती की विधि बता रहा हूँ, मंत्र बता रहा हूँ, उनका प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज सप्तमी तिथि में मेष राशि वाले जातक लोगों को किस मंत्र या किस विधि से माँ भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। तो मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में माँ भगवती की विशेष आराधना करने के लिए ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः मंत्र की 21 माला का आपको जाप करना चाहिए। दुर्गा चालीसा का अगर आप पाठ करते हैं इसके साथ तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज माँ काली की विशेष आराधना बहुत पुण्य देने वाली रहेगी। माँ काली की विशेष आराधना के लिए जो विशेष मंत्र है वो है क्रीं ह्रीं क्लीं। इस मंत्र की 21 माला आपको आज जाप करनी चाहिए। इसके साथ साथ श्री कालिका सहस्रनाम स्त्रोतम का भी आप पाठ करके अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। वहीं मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज सप्तमी तिथि में माँ तारा की विशेष पूजा आराधना करने से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। माँ तारा की विशेष आराधना करने के लिए जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं त्रीं हुं फट। इस मंत्र का कम से कम 21 माला जाप आपको आज करना चाहिए। साथ में तारा कवच का आप पाठ करते हैं तो हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वहीं कर्क राशि वाले जातक लोगों को माँ कमला की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ कमला की विशेष पूजा के लिए जो मंत्र है वो है नमः कमल वासिन्ये स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम 11 माला प्रयोग आपको आज करना चाहिए। साथ में श्री सूक्त का आप पाठ करें, आपको शुभ फल अवश्य प्राप्त होंगे। जो भी आर्थिक समस्याएं या जीवन में आर्थिक संकट चल रहा है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों को माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा बहुत विशेष फल देने वाली है। आपको एं क्लीं सह सह क्लीं इस मंत्र का 21 माला जाप करना चाहिए। भैरवी त्रैलोक की विजय कवच का आप पाठ करते हैं तो आपका कल्याण शीघ्र हो जाएगा। वहीं कन्या राशि वाले जातक लोगों को माँ मातंगी की विशेष पूजा आराधना बहुत सुफलदायी होगी, आपके लिए पुण्यकारी हो सकती है। आपके लिए जप मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं हुं मातंगे फट स्वाहा। इस मंत्र का 11 माला जाप आपको आज करना चाहिए। मातंगी सहस्रनाम स्त्रोतम का पाठ आप करें तो आपको लाभ मिलेगा। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों को महाकाली की आराधना बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। आपके लिए महाकाली की आराधना का साधना का जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है वो है त्रीं त्रीं त्रीं। इसको 3 बार आप उच्चारित करेंगे त्रीन को तो 1 मंत्र पूरा होगा। तो इस तरीके से आपको 51 माला इस मंत्र की आपको पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए। कामाख्या कवच या कामाख्या चालीसा का भी पाठ आप इसके साथ करें तो आपको अपने हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा आराधना करने के लिए ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः मंत्र का 21 माला जाप करना चाहिए और दुर्गा सहस्त्र नामावली का आप पाठ करते हैं तो आपके लिए शुभ फलदायी है।
वहीं धनु राशि वाले जातक लोगों को माँ बगलामुखी की खास पूजा बहुत शुभ फल देगी। आपके लिए श्रीं रिंग इंग भगवती बगले श्रीयम देही देही स्वाहा, इस मंत्र का 21 माला जाप करना है। आप मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, श्रीं रिंग इंग भगवती बगले श्रीयम देही देही स्वाहा। इसके साथ साथ बगला त्रैलोक के विजय कवच का पाठ आप करें तो आपका लाभ और कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बात मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों को सप्तमी तिथि में मां षोडशी की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी है। आपको मां षोडशी को प्रसन्न करने के लिए जो बीज मंत्र है या जो उनका जप मंत्र है वो है श्रीं, सिर्फ यही उनका मंत्र है श्रीं। इसका कम से कम 108 बार आप उच्चारण आज जरूर कर लें। इसके साथ ललिता सहस्त्रनाम स्त्रोतम का पाठ करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को मां भुवनेश्वरी की पूजा आराधना बहुत खास फलदायी है आपके लिए। मां भुवनेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष मंत्र है वो है इरेंग रिंग श्रिंग। मंत्र पुनः सुन लीजिए, इरेंग रिंग श्रिंग, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती इसका पाठ आप करें या किसी आचार्य से करवा लें। अब बात मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए भी बगलामुखी माता की पूजा आराधना बहुत ज्यादा विशेष कल्याणकारी होती है, तो ऐसे में आपके लिए भी मंत्र वही है श्रीं रिंग इंग भगवती बगले श्रीयम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का आपको 21 माला जाप करना चाहिए। साथ में बगला त्रैलोक के विजय कवच का पाठ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कल्याणकारी उपाय हो जाएगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये नवरात्रि से संबंधित छोटे छोटे उपाय आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। आप सभी ये 9 के 9 एपिसोड देख लीजिए, अभी काफ़ी समय है नवरात्रि आने में, और अपनी इच्छा के अनुसार अपनी ज़रूरत के अनुसार आप अपने लिए कोई एक मंत्र चुन के भी पूरे 9 दिन साधना कर सकते हैं, या जिस तरीके से हर दिन का मैं साधना का अलग अलग विधान बता रहा हूँ उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके शास्त्र सम्मत हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अपनी तरफ से बता रहा हूँ। हम लोग इस तरीके का कभी छेड़छाड़ शास्त्रों के साथ नहीं करते, दोनों ही तरीका है। आप दिन के अनुसार भी पूजा कर सकते हैं और एक साधना का क्रम पूरे 9 दिन तक भी कर सकते हैं, आपको दोनों में फायदा मिलेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा बरसों से पूरी एक साधना का क्रम है। मैं सिर्फ एक साधना का जो मेरे गुरु ने मुझे बताया वही साधना 9 दिन तक मैं फॉलो करता आता हूं नवरात्र में, वो मेरी अपनी विशेष साधना होती है। तो जैसा भी आपको ठीक लगे, जिसमें भी आपकी निष्ठा हो, आस्था हो, श्रद्धा हो, आप उस तरीके से करके नवरात्रि का लाभ ले सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है इन साधना के विशेष 9 दिनों का लाभ लेना। आप चाहे एक मंत्र का 9 दिन तक जाप करें या हर दिन एक नई साधना की पद्धति से माता भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास करें। साधना जरूर करनी चाहिए, किसी भी तरीके से आप करिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी से बार बार आग्रह करता हूं कि जब अगर आप मेरे वीडियो जब भी देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर। Oh, 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 oh,